नो डाउट और इसी के साथ सेकेंड राउंड में टाइब्रेकर या टॉस के माध्यम से जीत चुके थे। मुकाबला बड़ा है दोनों टीम के लिए। देखें तो ये ब्लैक ईगल के पास भी एक ही स्कोर तो प्राप्त हुआ था और ठीक है डीएस स्पोर्टिंग की बात करें तो उनके पास भी एक स्कोर एक भीम हम लोग माध्यम से एक स्कोर आई थी, एक लोका स्कोर हम लोग कर सकते हैं। और देखना ये सब रह गया है, यहाँ से जो भी टीम जीतेंगे तो सीधी सी बात है अगले दौर के साथ साथ कहीं कहीं करीबन 200 लोग प्राइज मैच तक पहुंच जाएंगे। ये सवाल बनता हुआ टीम के लिए जी बिल्कुल। और जिस तरह से मैच खेल रहे हैं ब्लैक ईगल शायद अभी भी किसी को विश्वास नहीं है। और दोनों वन मैन आर्मी जिसके लिए वो जाने जाते हैं और अकेले ये डीएस स्पोर्टिंग में भारी पड़ सकते हैं जिस तरह से वो गेंद के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और जिस तरह से उनको उस खिलाड़ी का इंटेंशन है। आप जितनी भी प्रशंसक कर ले दोनों के बारे में वो कम पड़ जाएंगे, प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है अन्यथा दोनों विपक्षी टीम के लिए नाकों तले वो दम कर सकते हैं मौजूद हैं। चलिए जो बंदा आप डीएस स्पोर्टिंग की तरफ से आए थे कि भूले जैसी तरफ से आए थे आप मंच पर अपना मनी पहुंचा देंगे। आपका अगेंस्ट जोड़ीदार आ गया है इसीलिए आपने जो ब्लू जर्सी की तरफ से 500 लगाने का वादा किया था आप अपना मनी यहां डिपोर्ट कर दें जमा कर दें। हालांकि जुबानी तौर पर लेकिन उसे विश्वास में बदलने के लिए आपको चले आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है राजन। ये मुकाबला दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें ने एक दूसरे के आन और शान बने कहा जाने वाले दोनों टीमों के जो समर्थन है फुटबॉल के काफी दीवानगी है। और अब हम लोग तीन मैच लेके चलेंगे कहां तीन क्वार्टर फाइनल। फिलहाल गोल हो जाएगा राजन इसमें कोई नो डाउट। और इसी के साथ दोनों की मेहनत पर पानी और ये सत्य वाले भाई साहब के चेहरे पर मुस्कान क्योंकि 500 में 250 तो ये पकड़ ही लिए हैं लेकिन अभी वक्त है। कॉमेडी के वॉलंटियर आप लोग पेनल्टी शूटआउट पे छोर पे चले जाएंगे देखेंगे वहाँ मैटर क्या है। कॉमेडी के वॉलंटियर वहाँ मैटर देख ले और मेला में हुड़दंगबाजी करते हुए जो भी सज्जन पकड़े जाते हैं वो कर और साथ में आवाज पूर्णिमा हो गई दो दिन तक उसको जो कमेटी का जो बंदीगृह है वहाँ बंद करके रख दिया जाए। और आपको खाने का लिए क्या दिया जाएगा पुआल इसमें कोई डाउट नहीं है पुआल दी जाएगी खाने के लिए। और इस बार एक बहुत बड़ा चूक आए हुए थे विश्वनाथ से तो इसलिए आप लोग करने के लिए आप सबों का योगदान ये सराहनीय होगा। नशा पान करते हैं लेकिन अपना होश और हवस ये न गवाए। हालांकि अच्छी कोशिश रहेगा राजे ने यहाँ से बैलिंग से निकल के खिलाफ कबला फिलहाल ठाकुर की इसको बॉल जीते के क्रम में जैसे मैं डिलीवरी के लिए सुंदर सा गेंद भीम लाजवाब। आप जब भीम की गदा पड़ती है राजन तो अच्छे अच्छे महाराज भी वहां पे कांपने लग जाते हैं थका के इससे पका के भीम के नाम से चर्चित होते हैं खिलाड़ी। वाओ क्या सुंदर ड्रिबलिंग भीम गदाधारी लेकिन यहाँ गति नहीं दे पाए और अपील पे भरोसा जाता रहते हैं और नारायण ने पे नकारते हुए यानी कि नॉट आउट का करार देते हुए हम लोग कह सकते हैं क्रिकेट की परिभाषा में कहें
जी वो तो है, और नारायण की बात कर राजे ने जमशेदपुर क्षेत्र उसके क्षेत्रीय निर्णायक हैं और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल स्टेडियम से ताल्लुकात रखते हैं, और इस क्षेत्र में कहीं न कहीं भले ही पहचान एक लोहे को मटवाए हैं, और इन सभी निर्णायक का विकास की बात करें और अनुराग की बात करें, सुखदेव की बात करें, डिमांड होती है राजेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल, और फुटबॉल में DRS नहीं ले सकते हैं, तो नियम के विरुद्ध नहीं कह सकते क्योंकि LCD नहीं लगाया गया है। बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास नहीं आएगा, फुटबॉल इतनी भी डेवलप करके राजेंद्र कि फुटबॉल से बहुत सारे खिलाड़ी के साथ साथ करियर को भी संवारा जा सकता है, इसमें नो डाउट। बट ऐसे भी जमाना, ऐसे भी युग आए, युग तो नहीं कहेंगे, ऐसे भी समय आएंगे जो कि ये DRS भी हो सकता है, इसमें नो डाउट। बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत ही पवन, और इसी के साथ सेकेंड हाफ का मैच फिर से रीओन होता हुआ मैदान के बीचों बीच, और फिर से काफी गति के साथ क्या गेंद को कंट्रोल करेंगे। जी हाँ, कंट्रोल किए, बैक भी किए, वहां जसीन बत्ते कमाल का ड्रिबलिंग पावर को दिखाया, इस वजह से मैच पर काफी वोल्टेज है, फुटबॉल दूर जाती है, उपलब्ध करा देंगे। दोनों का प्रयास था, हालांकि कॉर्नर में इस बार मौका बनेगा, समय बीत रहा है टीम के लिए, अच्छी गेंद के साथ आगे क्रम में इस बार DS स्पॉटिंग, इंद्रजीत साथी को बनेगा सफल रहे थे जसवंतों के लिए, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे मित्र भीम, और एक मौका को पलटता हुआ ब्लैक ईगल, मित्र विमल साथी का मौका सफल वरुण के लिए, वरुण इस बार बाएं चौक से जसो फाइट, और अच्छी क्रॉस हम लोग कर सकते हैं, पेट खुलिए बहुत जाते होगा, क्या बात है टीम का, टीम का पता है गुरुजी FC और आप हैं आयन ब्रदर्स, दोनों टीम आ रहे हैं ना, चलेंगे, आवाज बहुत बुलंद है, इसमें नो डाउट चहली कदमों के साथ दोनों ही टीम चलाएंगे, गुरुजी FC नाम आयन ब्रदर्स, समय को अपना नागा पाए, आपके टीम को जलवाई जितना जल्दी हो सके, बिना विलंब के जथा सिंह चले आए, भीम बस दुलो अच्छी करने के बाद गति है दोनों टीमों के पास, युवा खिलाड़ी है, और एक दूसरे के बच्चे काफी बाधा पर काम नहीं करते राजेंद्र, नो डाउट कभी कभी मैंने देखा है टाटा मोटर्स बनाम टाटा डेल्को, यहाँ टाटा एक्सचेंज के साथ मुकाबला इस प्रकार होता है, तो निश्चित बात क्या ही मैच रहता देखने को मिलता है, मैं लीग का चर्चा कर रहा हूँ, और इसी प्रकार जब भाईचारी के हिसाब से खेल रहे हैं दोनों टीमों ने, मौके को तलाशना होगा दोनों टीमों को, और अच्छी कोशिश भी रही है, जैसे मैं 14 गेंद तक पहुंचेगी जरूर विमल, बट उतनी सुंदर पे गोल रचा कर अच्छी की कीपिंग का मजा पेश किए हैं मिस्टर सुशील जसो बतेरा माद्रोस जसो बसेवन फिलहाल वरुण, इंद्रजीत के लिए लगातार इंद्रजीत का वो देखेंगे YouTube में, तो फिलहाल एक अच्छी सोच और अच्छी लड़ाई के साथ सभी टीम आए, अच्छा मैच लेके आए, और सभी टीम से उम्मीद करना चाहेंगे अगर इस तरह साफ साफ मैच लाते रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि आप सब का सहयोग अगर बने रहे तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगले साल आने वाला साल हम लोग कोशिश करेंगे प्राइज मनी को भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही, आपको पता है और आपको तो क्या पूरे फुटबॉल के जो फैंस हैं इनको भी पता है, तब चले जाएंगे तो फिर अगला टूर्नामेंट आपको मुश्किल हो जाएगा खेलना, आवड़ा फोन करो तो
और एक अच्छी कौशल के साथ अभी भी टीम में कमाल का मैच तो टीम ने दिखाया है। राजेंद्र जी में विलंब ना करें, आयन बदस प्रणाम गुरु जी एफसी। और उसके बाद सेकंड क्वार्टर फाइनल अच्छी कोशिश कर सकते हैं वरुण, मौज जीतने के बाद जसवंत 14 एक अच्छी कोशिश ब्लैक ईगल विमल, विमल ने साथी को पाने में सफल इस बार वरुण के लिए सुंदर सा सकाए राइट ब्लैक में डालेंगे होल्ड करते हैं साथी को पाने नहीं कर पाते तो जिस थोड़ा सा बहुत सारा दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है टीम के लिए। ना रहेगा मास ना बजेगा लाइट ना कुछ ना बजेगा बोतल टा फिंगी थी कम देख लेना। और इसी का